अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे स्कैरियस्ट रेसलर्स में से एक है, जिन्होंने हम सभी को काफ़ी एंटरटेन किया है, साथ में काफ़ी डराया भी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अंडरटेकर के करियर के 5 बेस्ट स्कैरियस्ट मोमेंट्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। मसाल लेकर खड़े हुए होते हैं रिंग साइड पे। ब्रॉक लेसनर यहाँ पे कैस्केट चेक करते हैं, कैस्केट खाली होता है, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर का दिमाग फिर जाता है और वो रिंग से बाहर निकलते हैं और उन बंदों को भगाने लग जाते हैं बैकस्टेज गुस्से में, जिससे वो बंदे भाग भी जाते हैं। एंड ब्रॉक लेसनर यहाँ पे कैस्केट बंद करते हैं और उसके बाद रिंग में जाकर पॉल हेमन को कहते हैं कि ये घटिया माइंड गेम मैं नहीं खेलने वाला, मैं यहाँ से चला जाऊँगा या फिर उसे जल्दी बुलाओ। पॉल हेमन यहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं और वो अंडरटेकर की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि भाई तू तो डर गया मेरे क्लाइंट से, ये सारी चीज़ें। जिसके बाद कैस्केट यहाँ पे खुद से खुल जाता है और उसके अंदर सच में अंडरटेकर होते हैं, जिसके बाद भाई फट जाती है ब्रॉक लेसनर की। पूरी ऑडियंस यहाँ पे डर रही थी, भाई मैं खुद ही डर रहा था, क्या बताऊँ। यहाँ पे अंडरटेकर भाई गुस्से में उड़ जाते हैं, जैसा उनका स्टाइल है, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर की तुम फेस की हालत देख पा रहे हो। अंडरटेकर अंदर आते हैं और उसके बाद तो भाई एकदम माहौल गर्म सा हो जाता है। यहाँ पे अंडरटेकर अटैक कर देते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, जिसके बाद अटैक यहाँ पे काउंटर भी करने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन वो हो नहीं पाता। एंड फाइन यहाँ पे अंडरटेकर रिंग से बाहर कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को, जिसके बाद तुम ब्रॉक लेसनर का चेहरा देख लो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्या सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे अंडरटेकर अपना वो साइन देते हैं जो कि उनका सिग्नेचर है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि भाई खेल ख़त्म होने वाला है तुम्हारे लिए। रॉयल रंबल 2006 यहाँ पे कर्ट एंगल अपनी चैंपियनशिप को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने रिटेन किया था, लेकिन यहाँ पे अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जिसके बाद वही मसाल लेके बंदे आते हैं, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड अंडरटेकर यहाँ पे घोड़ी पे आते हैं, जो कि शादी वाला स्टाइल नहीं था, एक डरावना वाला स्टाइल था। यहाँ पे अंडरटेकर नीचे उतरते हैं और यहाँ पे कर्ट एंगल की फेस की हालत तुम देख पा रहे हो, उनको कितना डर लग रहा है। एंड यहाँ पे अंडरटेकर कहते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप चाहिए, वो चैंपियनशिप की तरफ फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे कर्ट एंगल के बारे में क्या ही बताऊँ, उनका तो बस ऐसे सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी थी। अंडरटेकर यहाँ पे अपने हाथ को उठाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी पटाखे चलने लग जाते हैं रिंग के ऊपर, वैसे ही कर्ट एंगल की भाई निकली थी और भी डर जाते हैं वो। एंड जैसे ही अंडरटेकर का हाथ नीचे आता है भाई, यहाँ पे रिंग में पटाखे जल जाते हैं और रिंग टूट जाता है, जिसके बाद कर्ट एंगल की भाई एकदम निकलने वाली थी, मैं तो कह रहा हूँ वो यहाँ पे बिल्कुल डर जाते हैं। सिक्स मार्च 2017 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं जो कि रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं और रोमन रेंस का थीम सॉन्ग भी प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे वो थीम सॉन्ग बदल जाता है अंडरटेकर के थीम सॉन्ग में, जिसके बाद तो ब्रॉन स्ट्रोमन क्या पूरी ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है। एंड यहाँ पे प्रॉपर वही पायरो वगैरह होती है और यहाँ पे अंडरटेकर सच में आते हैं, जिसके बाद ऑडियंस पागल, ब्रॉन स्ट्रोमन डर जाते हैं। एंड अंडरटेकर जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं, तुम ब्रॉन स्ट्रोमन क्या फेस देख पा रहे हो, उनके स्टेप्स देख पा रहे हो, जो कि वो कैसे पीछे ले रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन तो टोटली डर जाते हैं और वो वापस बैकस्टेज चले जाते हैं। एंड इसके बाद अंडरटेकर वापस जाने लग जाते हैं और रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, जिसके बाद क्राउड पागल हो जाते हैं। यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं और वो कहते हैं कि डेड मैन उसने मुझे बुलाया था, ना कि तुम्हें बुलाया था, और ये मेरा टाइम चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही रोमन रेंस कहते हैं कि ये मेरा टाइम चल रहा है, अंडरटेकर यहाँ पे रेसलमेनिया के साइन की तरफ देखते हैं और रोमन रेंस भी देखते हैं, जिसके बाद अंडरटेकर चोक स्लैम के लिए उनके गले को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फाइनली वो चोक स्लैम लगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे ये मैच फिक्स हो जाता है रोमन रेंस एंड अंडरटेकर का। March 2016 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे सेन मिकमैन होते हैं रैंप पे और रिंग में होते हैं अंडरटेकर। यहाँ पे सेन मिकमैन अपने मैच के बारे में बात कर रहे थे, जो कि रेसलमेनिया में था अंडरटेकर के साथ। अंडरटेकर यहाँ पे सेन मिकमैन को रिंग के अंदर बुलाते हैं और सेन मिकमैन आ भी जाते हैं, जिसके बाद फाइनली अंडरटेकर बोलते हैं कि तुम एक बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद हो, इससे ज़्यादा तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ में। जिसके बाद यहाँ पे गुस्सा आता है सेन मिकमैन को और वो
बिना किसी डर के अटैक कर देते हैं अंडरटेकर के ऊपर, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि अंडरटेकर यहाँ पे रिंग से बाहर कर देते हैं और भगा भगा कर मारते हैं शेन मैकमैन को। एंड इसके बाद वो अनाउंसर्स टेबल तोड़ने वाले थे, लेकिन शेन मैकमैन यहाँ पे बच जाते हैं और वो अंडरटेकर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। एंड फाइनली वो यहाँ पे अनाउंसर्स टेबल पे लेटा देते हैं अंडरटेकर को और वो रिंग से छलांग भी लगा देते हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर काम हो भी जाता है। एंड इसके बाद वो बैकस्टेज जाने लग जाते हैं शेन मैकमैन, तभी अंडरटेकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में यहाँ पे उठते हैं और काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं, तुम देख पा रहे हो। एंड फाइनली वो अपना सिग्नेचर स्टाइल भी देते हैं कि भाई बस रेस्ट इन पीस होने वाला है शेन मैकमैन। स्मैकडाउन 2008 यहाँ पे विकी गेरेरो एंड बिग शो रिंग में होते हैं और स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होता है जहाँ पे अंडरटेकर बैकस्टेज एक बंदे को पीट रहे हैं, तुम देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से वो पीट रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बिग शो भागकर बैकस्टेज जाते हैं और विकी गेरेरो अकेले हो जाते हैं रिंग में, और जैसे ही वो अकेले होते हैं यहाँ पे अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और सारी चीज़ें अंधेरे में बदल जाती है। एंड जैसे ही लाइट आती है अंडरटेकर ठीक पीछे होते हैं विकी गेरेरो के, जिसके बाद विकी गेरेरो की तो फट जाती है, वो यहाँ पे रिंग के कॉर्नर में चली जाती हैं और रोने लग जाती हैं। मैं सच कहूँ तो मुझे हंसी ज़्यादा आ रही थी, अंडरटेकर यहाँ पे डराने की कोशिश करते हैं या फिर कह लो डरा ही देते हैं विकी गेरेरो को। एंड फाइनली अंडरटेकर इतने गुस्से में होते हैं कि वो चोक स्लैम के लिए पकड़ लेते हैं विकी गेरेरो को और वो बस देने ही वाले थे, लेकिन उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो चोक स्लैम को बदल देते हैं थॉम स्टॉम में। एंड वो प्रॉपर दे देते हैं थॉम स्टॉम यहाँ पे विकी गेरेरो को, जिसके बाद विकी गेरेरो गुड नाइट बोलना चाहिए मुझे, बिल्कुल सो जाती हैं। तो यही थे टॉप 5 अंडरटेकर के स्कैरियस मोमेंट। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।